एक हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। और फिर से आपके लिए मैं एक सक्सेस स्टोरी लेके आया हूँ। और आज मेरे साथ है चंद्र प्रकाश अग्रवाल। ही इज ऑल्सो रिसेंटली क्वालिफाइड हिज सीएमए एंड ही सिक्योर्ड हिज फर्स्ट जॉब इन सीएमए कैंपस प्लेसमेंट इन फ्रिज्म जॉनसन में। इनका सिलेक्शन हुआ है एज असिस्टेंट मैनेजर। सो दिस इज वन ऑफ द बिग अचीवमेंट ऑफ एनी वन लाइफ कि आप सीएमए क्वालिफाई करो और कैंपस में आप अपनी फर्स्ट जॉब लो। और आपको पैकेज भी काफी अच्छा मिले, मोर देन 9 लाख पैकेज ही गॉट इन कैंपस प्लेसमेंट। सो हाय चंद्र प्रकाश, हाउ आर यू? हेलो सर। फाइन, व्हाट सो अबाउट यू? हाउ इज योर फीलिंग आफ्टर सिलेक्शन इन कैंपस? बहुत अच्छा लगा सर, एकदम फर्स्ट टाइम था कैंपस पे हुआ, बहुत अच्छी फील आई एकदम। ग्रेट। सो लाइक अभी आप मध्य प्रदेश में हो, राइट? यस सर। So you are already joined your company. यस। Great. So हम start करते हैं आपकी जर्नी। Like when you started CMA, कैसे आपने स्टार्ट किया अपनी CMA जर्नी? So in short आप थोड़ा सा बताओ, like आप एकेडमिक में कैसे थे और बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हो? तो एक्चुअली मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना सीएमए का क्लास 12 के बाद ही ज्वाइन कर लिया था। मेरा मैंने पहले से डिसाइड किया था कि मुझे परस्यू सीएमए ही करना है, क्योंकि जब मेरे 12th के एग्जाम्स थे, 12th जब मैं परस्यू कर रहा था, उसी समय मैंने सीए सीएस सीएमए तीनों से बात की थी। मैंने उनसे पूछा कि ये कोर्स क्या है, क्या क्या इसमें बेनिफिट्स हैं, क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज हैं। मैंने वो सब एनालाइज करने के बाद मुझे सीएमए बहुत अच्छा लगा। तो मैंने फिर मुझे अभी भी याद है, मेरा 31 मार्च को कंप्लीट हुआ था बोर्ड का 12th बोर्ड का एग्जाम। मैंने 2 अप्रैल तक उसमें ज्वाइन कर ली थी फाउंडेशन। देन मेरा स्कूल समय में एकेडमिक्स में ठीक ठाक था। आई वाज आई एम ऑल अ ग्रेजुएट एवरेज स्टूडेंट, बट मेरे को स्पोर्ट्स में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट था। मैं बास्केटबॉल, नेटबॉल वगैरह बहुत खेलता था। ये ओवरऑल सो लाइक जब आपने CMA में इंटर किया आफ्टर 12th, सो फाउंडेशन आपके लिए फर्स्ट लेवल था। सो लाइक किस टाइप के चैलेंजेस आपने इनिशियल स्टेज में फेस किया, लाइक जब आपने CMA कोर्स में इनरोल किया था? सबसे पहला तो हम लोग स्कूल लेवल तक 10th 12th हम लोग नॉर्मल लिखते हैं, एज अ स्टूडेंट के टाइप लिखते हैं। बट अब ये था प्रोफेशनल एग्जाम, हम लोग को अपने आप को बिहेव करना था प्रोफेशनल की तरह, राइट लिखना था पेपर प्रोफेशनल की तरह। तो वो एक मेंटेलिटी लाना कि नाउ यू आर अ प्रोफेशनल, यू हैव टू बिहेव लाइक प्रोफेशनल, यू आर टू बिकम अ प्रोफेशनल, तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग ओके सो स्टार्टिंग आपने से अवर माइंड, या यू कैन कंटिन्यू। हमारे फैकल्टीज ने स्टार्टिंग से डाल देते कि अब आप कोई स्कूल स्टूडेंट नहीं हो, ना कॉलेज स्टूडेंट हो, यू आर डिफरेंट, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट। तो हाँ, स्टार्टिंग से एक प्रोफेशनल वाली मेंटेलिटी बन गई थी। ओके ग्रेट। सो जब आपने फाउंडेशन का पेपर दिया था एंड यू ऑल्सो क्लियर योर सेम फाउंडेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, सो आपने लाइक रिवीजन के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया था कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में वो एग्जाम क्रैक हो गया? सर मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं यही बोलूंगा कि अपन कैसे कोचिंग के मटेरियल और अदर मटेरियल का बहुत रिसर्च करते हैं, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रहते हमारे होना चाहिए कि हमारे स्टडी मटेरियल को हम अच्छे से ओवरव्यू, अच्छे से गॉन थ्रू कर लें, उसके बाद अपन अदर मटेरियल को। उसके बाद इंस्टीट्यूट हमारी MCQ RTP रिलीज करती है हर अटेम्प्ट में, उसको सॉल्व करें। सेकेंड, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपन को मॉक टेस्ट देंगे। मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे फाउंडेशन के समय, तो ये सब मुझे बहुत हेल्प किया फाउंडेशन को अच्छी मार्क्स मिले। ओके ग्रेट। सो लाइक आपने अपने होम टाउन से ही, रायपुर से ही कंप्लीट किया था अपना फाउंडेशन, राइट? हाँ, रायपुर से। ग्रेट। सो आफ्टर क्लियरिंग योर फाउंडेशन, जब आप इंटरमीडिएट में आए तो लाइक होता है कि बोथ ग्रुप जाना है, सिंगल ग्रुप जाना है, तो लाइक इस पॉइंट को आपने कैसे डिसाइड किया? मैंने एक दो सीनियर्स से बात की जो क्वालिफाइड सीएमए हैं, उनसे थोड़ा तो जाना कि क्या है, कैसा कोर्स है, मतलब अंदर मतलब सब्जेक्ट क्या है, किस टाइप का है, खुद थोड़ा देखा। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, सिंगल सिंगल ग्रुप देना है, क्योंकि उस समय साइड बाय साइड पैरेलल में मेरा ग्रेजुएशन भी चल रहा था BCom भी, तो BCom की भी पढ़ाई करनी थी। तो मैंने डिसाइड किया कि सिंगल सिंगल ग्रुप देना है। पहले से एम था कि सब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना, कोई बैकलॉग नहीं करना, तो सेफ जोन के लिए मैंने सिंगल सिंगल ओके सो लाइक
और जब आपने सिंगल सिंगल ग्रुप दिया एंड आपने वन शॉट आपने इंटरमीडिएट भी क्रैक किया, सो लाइक आपने अप्रोक्स कितने मार्क्स अचीव किए अपने सीएमए इंटरमीडिएट में? सर ग्रुप वन में मेरा 292 आया था एंड ग्रुप टू में 207। ओके 207 आपके आया था। अच्छा लाइक आपने रेगुलर बीकॉम चल रहा था या आपका डिस्टेंस बीकॉम था? रेगुलर रेगुलर बीकॉम था। तो लाइक रेगुलर बीकॉम और सीएमए की स्टडी, ये थोड़ा सा ना बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट आते हैं कि सर हम रेगुलर बीकॉम प्लस सीएमए कैसे मैनेज करें, तो ये आपने किस तरीके से आपने इसको टैकल किया इंटरमीडिएट? आप जनरली बीकॉम और सीएमए का ज्यादा ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है कोर्सेज में, जो हम यहाँ सीएमए में पढ़ेंगे वही के वही है। कुछ मेजर जैसे बीकॉम में जैसे आपका इनडायरेक्ट टैक्सेशन में स्टेट लॉ वगैरह आ जाता है थोड़ा सा, स्टेट एक्साइज सॉरी, तो वो सब में थोड़ा फोकस करें। अगर आप एज एंड लास्ट के 1 मंथ या 1.5 2 मंथ में भी बीकॉम का पढ़ लें तो मोर देन इनफ है, पूरा समय देने की जरूरत है। ओके सो एंड व्हाट वाज द लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी, लाइक आप रिवीजन के लिए आप कैसे प्लान करते थे? बिकॉज फाउंडेशन वाज द डिफरेंट थिंग एंड इंटरमीडिएट वाज द डिफरेंट थिंग, सो आपने किस तरीके से प्लान किया कि आपका इंटरमीडिएट भी वन शॉट में क्लियर हो जाए? तो सर मेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी ये रहती थी कि मैं जल्दी से जल्दी अपने कोचिंग के जो क्लासेस हैं उसको कंप्लीट करूं। फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी, सबसे ज्यादा फोकस था सेल्फ स्टडी, जितना ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी हो जाए और हम जितना ज्यादा से ज्यादा 5 ईयर्स के पेपर और एमसीक्यू सॉल्व कर पाए, क्योंकि उसी से सर हम लोग को आइडिया मिलता है कि मतलब पेपर का पैटर्न क्या होता है, किस टाइप से इंस्टीट्यूट पूछा, इंस्टीट्यूट क्या चाहती है हमसे, किस वे में हम आंसर दें, किस क्या थॉट प्रोसेस है वेल्वर का। तो मेरा लास्ट महीने लास्ट मंथ की यही चीज रहती थी कि ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू आके सॉल्व करें और सेल्फ स्टडी। ओके सो आफ्टर दैट जब आपका इंटरमीडिएट आपने वन शॉट में क्लियर किया, देन लाइक व्हाट वाज योर फीलिंग एट दैट टाइम? सर बहुत अच्छा था जब मेरा इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया। एक्चुअली मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। मैं उसमें तक ऑफिस ज्वाइन कर लिया, इंटर्नशिप ज्वाइन कर लिया था मेरा ग्रुप वन क्लियर होने के बाद, ड्यू टू वो पोस्टपोनमेंट एग्जाम पोस्टपोनमेंट बिकॉज ऑफ कोविड मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन कर ली थी। तो जब हमारा ग्रुप टू का रिजल्ट आया उस समय मैं मीटिंग में था सर के साथ, अचानक से मेरे फोन का नोटिफिकेशन आया कि रिजल्ट आउट करके। मैं जस्ट अपने कॉलिग को ऐसा आई टू आई कॉन्टेक्ट में जैसे से किया कि आ गया करके। तो हमारे प्रिंसिपल बोलते क्या हो गया करके, ना सर हम लोग का रिजल्ट आ गया। तो सर बोलते छोड़ो मीटिंग चलो रिजल्ट देखते पहले। ओह माय गॉड, तुरंत रिजल्ट वगैरह देखे तो एकदम से ऐसा पहले नीचे सब कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ आया तो बहुत खुश हो गया, मतलब एकदम मीटिंग सब हो गया। बस कंटिन्यू उसमें क्या एक्चुअली ड्यू डेट्स चल रहे थे रिटर्न के, तो मैं ऑफिस से घर नहीं जा पाया। बट मैं उस दिन कुछ काम नहीं किया, 2 घंटे तक मस्त फोन पे इधर उधर घर पे फोन किया, फ्रेंड्स से बात किया, मतलब बहुत एंजॉयमेंट हुआ उसको। ग्रेट, ये सब लाइफ के कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बहुत हैप्पी मोमेंट। सो आपने ऑलरेडी अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी थी एंड देन आपने फाइनल, फिर इंटर्नशिप और फाइनल की स्टडी आपने कैसे मैनेज किया? सर बहुत टफ टाइम था एक्चुअली। मेरा पूरा ग्रुप 3 आर्टिकलशिप के साथ चला है और बहुत उसमें क्रूशियल टाइम चल रहा था। एक बीच में सितंबर मंथ भी आया जिसमें हमारे ऑडिट का था, हमारे घर में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि सुबह 11 बजे ऑफिस चले जाओ, 6-7 बजे के पहले ऑफिस आना नहीं, तो ऑलरेडी इतना टायर्ड हो जाता था। तो रात को टाइम रहता था डिनर के बाद 10 से 2-3 बजे तक, वो पूरा समय एकदम ऐसा टायर्डनेस के साथ क्लास देखो फिर रिवीजन करो, मतलब बहुत डिफिकल्ट स्टेज था वो ग्रुप 3। और ऑलरेडी हमारे पूरे सीएमए जर्नी का ग्रुप 3 सबसे डिफिकल्ट होता है। राइट राइट, तो या सबसे बहुत डिफिकल्ट रहता है आर्टिकलशिप के साथ। सो जब आप आर्टिकलशिप कर रहे थे आपने मतलब लाइक ग्रुप 3 के लिए आपने कुछ लिए थे या फिर आपका आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गया था? नहीं नहीं नहीं, मेरे को लीव मिली थी 2 मंथ की, बट कंडीशन थी कि रिटर्न फाइलिंग जीएसटी का जो मंथली रिटर्न से होता है उस समय हम आपको बुलाएंगे करते, क्योंकि उस समय थोड़ी स्टाफ की शॉर्टेज थी हमारे ऑफिस में, तो थोड़ा सा उस समय प्रॉब्लम। ओके
सो बेसिकली तो आपने आपकी स्ट्रेटेजी फिर इसमें किस तरीके से थी, आपने कितने टाइम्स आपने रिवीजन किया फाइनल लेवल पे, और आपने एग्जाम में आंसर के लिए होता है ना कि हमारे पास 3 आवर्स का टाइम होता है, तो हम कौन से क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करें पहले और किसके साथ, कौन से क्वेश्चन हमें छोड़ने, वो सब चीज़ें कैसे आपने डिसाइड? तो सर जैसे मैंने बताया मेरी एक आदत है, जो भी मैं नया कोर्स या कुछ स्टार्ट करता हूँ ना, सबसे पहले मैं क्वेश्चन पेपर वगैरह डाउनलोड करके इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन पेपर को प्रॉपर एनालाइज करता हूँ कि किस सेक्टर से किस टॉपिक से ज्यादा आ रहा है, तो मेरे टाइम के अकॉर्डिंग फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक को उस टाइप से अपन टाइम अलॉट कि जो जब से ज्यादा वेटेज है उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम दें, ताकि कम समय में ज्यादा ज्यादा जो अपना पढ़े ना सर 80-20 रूल पैरेटो वही प्रिंसिपल। वही अपन पेरेटो एनालिसिस वही अपन मेरे वही रहता था कि पेरेटो एनालिसिस करो सबसे फर्स्ट, ताकि उससे एक एक मैं सर तीन अप्लाई करता था, एक मेरा पर्सनल रूल 40-50-60, सबसे पहले आप 40% की प्रिपरेशन करो, 40% होने के बाद 50% की प्रिपेयर करो, सॉरी 40 मार्क्स की प्रिपेयर करो, 40 मार्क्स की जैसे ही हो गई फिर आप 50 मार्क्स की प्रिपेयर करो, 50 मार्क्स की आपकी प्रिपरेशन हो गई, देन आप 60 मार्क्स। मेरा स्टार्टिंग से फाउंडेशन से यही रूल था 40-50-60, ग्रेट, यही इसमें चीज आपकी मैंने कोशिश पढ़ाई है। की थी। या सो आफ्टर आफ्टर जब आपका फाइनल में जिस जब आपने ग्रुप 4 क्लियर किया होगा, राइट, आपने ग्रुप 3 फर्स्ट दिया था, सो ग्रुप 4 की जिस दिन रिजल्ट आने वाले थे, दैट मोमेंट आप शेयर करो कि कैसा था वो। श्योर। हाँ अभी रिसेंटली जून 2023 में मेरा ग्रुप 4 का रिजल्ट आया था, एक्चुअली फर्स्ट टाइम ये मॉर्निंग पे आया था रिजल्ट, एक्चुअली वो थोड़ा सा इंसिडेंट था कि एक दिन पहले आने को था बट 26 सितंबर को आया, मॉर्निंग पे आया, मैं उस समय सो रहा था, मेरी फ्रेंड मेरे को कॉल की, बोलती है उठ रिजल्ट आ गया करके, मैं उठा ऐसे कांपती कांपती हाथों से मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, तो बस ओके क्या, बस नीचे जब कॉन्ग्रेचुलेशन देखा ना तो मतलब आई स्टार्टेड क्राइंग लिटरली, मम्मी आई थी क्या हो गया तेरे को, मैं बोला मम्मी मैं CMA बन गया करके, तो मम्मी भी एकदम खुशी से उनके भी आंखों से आंसू निकले, तो बहुत ज्यादा वो मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकता एक्सप्रेस नहीं वो कर मोमेंट सकते यार, उस मोमेंट को, राइट। बट हाँ, वो बहुत सुबह सुबह 5 या 6 बजे आई थिंक रिजल्ट आया था, तो आई थिंक ये फर्स्ट टाइम ऐसा मैंने देखा है, इतनी मॉर्निंग में रिजल्ट आया, तो डेफिनेटली एक सरप्राइज था यार, सुबह आँख खुला सामने। जनरली हम पूरे दिन वेट एग्जैक्टली करते थे कि अब रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट आएगा। सब एक दिन पहले सर तो रूमर्स उठी थी कि एक दिन पहले रिजल्ट आने वाला, उस दिन ना मैंने ब्रेकफास्ट कर पाया था और ना डिनर लंच कर पाया था रिजल्ट के डर के नाम से, रिजल्ट 5 बजे आएगा 5 बजे आएगा 5 बजे आएगा, कि जब 4:45 को ट्वीट आया कि नहीं आज रिजल्ट नहीं आएगा कल रिजल्ट आएगा, तो आई वॉज लाइक क्या हो गया, या तो तो मैसेजेस वाया देन ओके जब आप क्वालिफाई कर चुके थे, नेक्स्ट टारगेट था आपका कैंपस, आप कैंपस किस तरीके से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, एंड आपको आपने मेरी क्लासेज आपने कैसे ज्वाइन की कैंपस प्रिपरेशन की? एग्जैक्टली। तो सर जैसे ही हमारा एक रिजल्ट आया, आधी एक घंटे की खुशी थी, उसके बाद सडनली टेंशन आ गया यार अब बैठना है कैंपस में, अब 1-to-1 होगा इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन, तो उसके बाद हमने PPOP का फॉर्म भरा, प्लेसमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम का, देन मेरे फ्रेंड ने बताया आपके बारे में, तो मैंने उसके थ्रू आपसे कांटेक्ट की, मेरे को बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, हमारी अच्छी मेरे कभी भी आते मेरी 15-20 मिनट तक अच्छी बातें हुई थी, पूरा आपने एक एक चीज अपने बारे में बताई थी, अपने बैकग्राउंड के बारे में, देन रॉक योर इंटरव्यू क्लास के बारे में, देन मैंने बताई थी, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने इमिडिएटली क्लासेस बाय कर ली, इनरोल कर ली थी। ओके ग्रेट। सो टिल जिस दिन आपने कोर्स बाय किया और टिल आपके सिलेक्शन, मेरा मेंटरशिप, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर, मतलब लिटरली सोचे नहीं था कि इतना अच्छा मेंटरशिप मिलेगा करके, सच्ची में एक एक दिन, इवन आप ऑफिस से आने के बाद रात को 11 बजे 12 बजे सेशंस लेते थे, हम लोग का मॉक इंटरव्यू लेते थे, मतलब रियली अप्रिशिएबल सर, इतना ऑफिस से थक के आने के बाद ये सब करना, और इवन आपने एक एक चीज की मटेरियल हमारे लिए बनाई, GST
किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, केस स्टडी वाइज जनरल क्वेश्चन और डिफरेंट डिफरेंट इनकम टैक्स रिलेटेड बहुत सारा, लिटरली बहुत अच्छा। थैंक यू। सो ओवरऑल जब आपका कैंपस में जब शॉर्टलिस्टेड था, आपने इंटरव्यूज दिए और जब आपके पास ऑफर लेटर आया, बिकॉज वो मोमेंट अगेन लाइक आई थिंक वो मोमेंट आपके लाइफ का फिर से अगेन एक सुपर एक्साइटेड मोमेंट रहा होगा जब आपने ऑफर लेटर रिसीव किया होगा, तो वो फीलिंग कैसा था और आपने अपने घर पे कैसे बताया उसको? हाँ, एक्चुअली मेरे साथ थोड़ा सा एक ट्रेजेडी सिचुएशन हुआ, स्टोरी में बता। मैंने जब कैंपस में अपना इंटरव्यू दिया, उस समय मेरा इंटरव्यू वाज वेरी गुड, आई आल्सो सेड दैट योर इंटरव्यू वाज वेरी गुड, बाहर जाए हम आपको बताते हैं करके। उसके बाद उन्होंने मुझे को होल्ड में डाल दिया, ठीक है आपका सब सही है, हम आपको होल्ड पे डालते हैं अभी। उसके बाद नेक्स्ट डे हो गया, एक और नेक्स्ट डे मुझे कोई फोन ना करने, देन आई वाज लाइक कि यार मतलब रिजेक्टेड, आई एम रिजेक्टेड कि नहीं हुआ मेरा कैंप, बहुत एकदम डिप्रेस होके घर आया मैं। 12 तारीख को आया दिवाली के दिन, ना मैंने प्रॉपर दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट कर पाई, ना मतलब एकदम मैं डीमोटिवेट था कि यार सीएमए बने थे अच्छे कैंपस प्लेसमेंट के लिए, मेरा वही सिलेक्शन नहीं हुआ, तो लाइक एकदम टूट गया था मैं अंदर से। सडनली मैंने अपने ऑफिस ज्वाइन कर ली थी, सडनली 23 नवंबर आई थिंक मेरे को 3 बजे जैसा फोन आया प्रिज्म जॉनसन से, हम प्रिज्म जॉनसन से बोल रहे करके आपको होल्ड पे हमने डाला था, अब आपका होल्ड हट गया है, हम आपको हायर करना चाहते हैं, आपको कहीं जॉब लगा क्या करती है? मैंने बोला नहीं अभी तक ऐसा कुछ नहीं, तो ठीक है आपका ये जॉब प्रोफाइल रहेगा ऐसा ऐसा रहेगा करके, आप इंटरेस्टेड है? मैंने बोला हाँ ठीक है, तो ठीक है हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं करके। जस्ट हाफ एन आवर मैडम ने कॉल बैक किया, वो ठीक है मैं आपको ऑफर लेटर मेल कर रही हूँ, अब उसमें एक्सेप्टेंस दे दीजिए, 1 दिसंबर से आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो उसके बाद बहुत ज्यादा वो सर एकदम मतलब हैप्पी मोमेंट था मेरे लिए कि मतलब मैं स्पेशली मैंने जोर से ऑफिस में हमारे जो भैया लगते हैं जोर से बोला भैया इधर आओ करके, मतलब बाहर से कंपाउंड में बोला इधर आओ, मेरा जॉब लग गया तुरंत। मैंने मम्मी को वीडियो कॉल किया, वीडियो कॉल में उनका बताया कि मम्मी ऐसा हो गया करके। माय गॉड, सो लाइक आई थिंक वो मोमेंट ना, आई थिंक जैसा मुझे फील होता है कि लाइक थोड़ा सा क्राई वाला मोमेंट भी होता है कि यार लाइफ में जिस दिन के लिए पढ़ाई किया था, आज वो ऑफर लेटर मेरे हाथ में है और लाइक मैं अपनी ड्रीम्स, अपनी फैमिली की ड्रीम्स को फुलफिल कर सकता हूँ। हाँ एग्जैक्टली, एक्चुअली और मेरे साथ ऐसा हुआ था सर, मेरा जिस दिन किसी कंपनी से इंटरव्यू था उस दिन मेरा सीए टायर में भी, तो जनरली और जो मेरे लोग और दूसरे फ्रेंड्स लोग सब जितना सी एट और बिजनेस जॉनसन दोनों ही हुआ था, वो लोग सब मेन फोकस कर रहे थे सी एट टायर में कि हमको सी एट में जाना है सी एट। बट मेरा स्टार्टिंग से था कि जब से मेरे को शॉर्टलिस्टिंग आई थी कि मेरे को जाना है बिजनेस जॉनसन, तो मैंने अपना पूरा 101% दिया था इसके इंटरव्यू के लिए कि मैं इसमें सेलेक्ट हो जाऊँ। तो जब वो एक सेकेंड आया ना कि आप बिजनेस जॉनसन में सेलेक्ट हो गए, तो सोने पर सुहाग हो गया था मेरे लिए। तो राइट नाउ आप ऑलरेडी ज्वाइन भी कर चुके हो, या सो अभी आप इंजॉय भी कर रहे हो अपने लोकेशन को, एंड एमपी एक अच्छी जगह भी है, यू कैन एक्सप्लोर, आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो ओवर द टाइम, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। कुछ टिप्स सजेशंस अपकमिंग सीएमएस के लिए आप देना चाहते हो? हाँ सर श्योर, सबसे पहले जो सीएमए कर रहे हैं जिनका अभी तक क्लियर स्टेज पे है, क्लियरिंग स्टेज पे, आप प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट कि मेरा इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को रेफर कीजिए, एमटीपीज रेफर कीजिए, स्कैनर रेफर कीजिए, बहुत हेल्पफुल है। हम लोग इधर उधर चीजों में भागते नहीं, बहुत सबसे पहले आप इसको कम्प्लीट कीजिए। ये सब होने के बाद आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ट्राई कीजिए, उस क्वेश्चन ट्राई करने के लिए आप वेरियस जगह जब कंसेप्ट क्लियरिटी वगैरह के लिए इंस्ट्रक्टिव मटेरियल रेफर कीजिए। दूसरा कैंपस के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा कि कैंपस में अच्छे से लगती है, क्योंकि जनरली सुनते हैं ऐसा कि आप हमारा हो गया हमारा अलग ही एक्सपेक्टेशन है, आप पूरे ड्रेस अप वगैरह तैयार होके जाते हैं, उसको मेंटेन करना, फिर बाहर वेट करना, देन इंटरव्यू रूम, इंटरव्यू पैनल, अलग ही प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ जाइएगा, क्लासेस लीजिएगा जैसे सर की मैंने ली थी। और एक मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, मैंने फैमिली प्रॉब्लम और थोड़ा अपना प्रोकास्टिनेशन, जैसे मैं जीडी वगैरह क्लासेस अटेंड नहीं कर पाता था,
तो वो प्रॉपर अटेंटिविटी का जीडी मॉक टेस्ट वगैरह, तो इसका बहुत हेल्प करता है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में। तो मेरे ग्रेट। तरफ से यही था, बट अगर मेरा कोई भी किसी को हेल्प लगे तो सर के पास मेरा नंबर है, उनसे जरूर कॉन्टेक्ट ले लीजिए। आई एम हैप्पी टू हेल्प। श्योर 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 एंड थैंक्स इन ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। होप कि हम बहुत जल्द मिले। आई विल कम देयर घूमने के लिए और फिर हम मिलेंगे जरूर। ओके 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 बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सो मच।